यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सी ए पी एफ़ एग्जामेशन ली जाती है सी ए पी एफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन का हम लोग सेकेंड पेपर जनरल स्टडीज़ एस एंड कंप्रीहेंशन का पेपर देखेंगे तीन घंटे का समय दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स टू हंड्रेड का होता है जो क्वेश्चन नंबर वन है ऐसे होता है इसे हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में कैंडिडेट्स लिख सकते हैं आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन जो है राइट एसेज ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट थ्री हंड्रेड वर्ड ईच एक को तीन सौ शब्दों में लिखते हुए चार एसे अटैम्प करने हैं अर्थात एसेज जो हैं वो अस्सी मार्क्स के होते हैं टॉपिक पहला है भारत के सीमापवर्ती देशों में चीन की आर्थिक नीति क्वेश्चन नंबर बी जो है इसका वर्क फ्रॉम होम एक वरदान या अभिशाप वर्क फ्रॉम होम अबून और अ अब बैन भारत में दलगत राजनीतिक एक फलता फुलता पारिवारिक व्यवसाय पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लोरिशिंग फैमिली बिजनेस बेरोजगारी और नई शिक्षा नीति अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी और यहां पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यह 2020 के बारे में कहा जा रहा जो कि थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्वेश्चन नंबर ई जो है ऑप्शन ये इसे का वो है अर्बनाइजेशन इज हेजर्ड टू तो ह्यूमन हेल्थ घुसपैठिया भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है इन फील्ड ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी तो ये अपने छः ऐसे हुए जिनमें से कि हमें फोर अटैम्प करना है क्वेश्चन नंबर टू है राइट आर्गूमेंट्स फोर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दोनों अटैम्प करने हैं पहला है इलेक्शंस इन स्टेट्स शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली एंड बी जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पोलिटिकली मोटिवेटेड अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर टू से केवल और केवल इंग्लिश में आंसर करना है क्वेश्चन नंबर थ्री राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट टू हंड्रेड्स वर्ट्स इच ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्राइसिस इन दिल्ली एंड पोल वायलेंस पोल वायोलेंस इन वेस्ट बेंगाल और इसपे ममता दीदी ने अपनी आपत्ति जताई थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रति कि उन्होंने इस तरह से टॉपिक्स कैसे पूछ लिए हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड और पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल वाला जो क्वेश्चन था इस पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी क्वेश्चन नंबर फोर जो है ये प्रेसी हमें अटैम्प करने हैं और हम लोग जानते हैं कि प्रेसी जो होता है वन थर्ड जो इसका पूरा लेंथ है आप इसको पढ़ लीजिए और पंद्रह मार्क्स का ये होता है टोटल 485 वर्ड्स के हैं या जो पैसेज दिए हुए हैं अपने इसका मतलब हुआ कि हमें 125 से 130 वर्ड्स के बीच में प्रेसी अपना लिखना था क्वेश्चन नंबर फाइव जो है पैसेज दिया हुआ है इसके क्वेश्चन जो दिए गए हैं आंसर हमें करना है फोर क्रॉस फाइव यानी कि ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चंस इसके हैं ये आप पैसेज पढ़ने के बाद जो अपना ये क्वेश्चंस दिया हुआ है पांच क्वेश्चंस इसको अटैम्प करने हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स जो होता है री राइट द सेंटेंसेज इज डायरेक्टेड यह दस नंबर के क्वेश्चन होते हैं आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द फ्लावर्स राना गेब टू मीना हैब विदर्ड चेंज टू पेसिव वॉइस में ये करना है और इसी तरह से जो भी क्वेश्चन है अपने दस यहाँ पर ए में इसको री राइट करना है और छः का जो बी है ये भी दस मार्क्स का है राइट वन सेंटेंसेस इच